हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन टू राग। तो अभी हम जिस राग के बारे में बात करेंगे वो है राग हमीर। तो सबसे पहले हम जानेंगे राग हमीर का थाट। राग हमीर का थाट है कल्याण, यानी कल्याण थाट से जन्मा हुआ राग माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे वादी स्वर की, यानी द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर द राग, जो कि इस राग में है था। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का समवादी, यानी द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्वर ऑफ द राग, जो कि है ग। इसके बाद हम बात करेंगे इस राग में विकृत स्वर की। तो इस राग में विकृत स्वर है माँ, यानी इस राग में माँ तीव्र का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ शुद्ध माँ का भी प्रयोग किया जाता है। इस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इस राग के वर्जित स्वर। तो इस राग में कोई भी वर्जित स्वर नहीं है, सभी स्वरों का प्रयोग किया जाता है, आरोह अवरोह दोनों में। इसके बाद हम जानेंगे इस राग की जाति। तो इस राग की जाति है संपूर्ण संपूर्ण, यानी आरोह अवरोह दोनों में ही सातों स्वरों का प्रयोग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इस राग के गायन समय की। तो इस राग का गायन समय है रात्रि का प्रथम प्रहर। इसके बाद हम जानेंगे इस राग का आरोह, जो कि कुछ इस तरीके से है, सा रे सा ग मा प ग मा ध नी ध सा। इसके बाद हम बात करेंगे इस राग के अवरोह की, जो कि कुछ इस तरीके से है, सा नी ध प मा प ध प ग मा रे सा। इसके बाद हम जानेंगे इस राग की पकड़, जो कि कुछ इस तरीके से है, सा रे सा ग मा ध। होप आप सभी को सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।